सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। आई एम रियली हैप्पी। आज हमारे एक फ्रेंड सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं, वो कहते हैं कि सर आप जेनियो का कोर्स करा रहे हैं और उसकी फीस भी ले रहे हैं, और अगर आप एक बार विपासना मेडिटेशन को ट्राई करेंगे 10 दिन का, तो आप फिर कभी किसी और चीज़ पर वीडियो बनाएंगे नहीं, खाली विपासना पर वीडियो बनाएंगे। और फिर उन्होंने मुझे याद दिलाया है बहुत प्यार से कि वो तो 1 रुपये भी चार्ज नहीं करते। हाँ मुझे पता है वो चार्ज नहीं करते, मैंने 2 विपासना कोर्सेज खुद अटेंड किए हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी लंबे लंबे एपिसोड के, और मैंने कोशिश की थी जिस तरह से वो कह रहे हैं उस चीज़ को फॉलो करूँ। इसको विपासना मेडिटेशन के नाम से कहते हैं गोयनका फैमिलीज में, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर जेनोका नहीं मिली होती तो मैं ज़िंदगी भर यही सोचता कि मैं विपासना मेडिटेशन कर रहा हूँ। बट जेनोका के आने के बाद मुझे पता चला कि ध्यान, धारणा और समाधि, मेडिटेशन, इंट्यूशन एंड आइडेंटिफिकेशन, ये बहुत ही एडवांस्ड स्टेप्स हैं। इन एडवांस स्टेप्स में जाने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स चाहिए होते हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम। उसके बाद बीच का स्टेप आता है प्रत्याहार। तो जो विपासना है वो आपके मन को ऑब्जर्व करना, आपके सांस को देखना, अपने भोजन को लिमिटेड करना, लोगों से इंटरेक्ट ना करना, ये 10 दिन करना होता है आपको। और जब आप 10 दिन करते हैं तो आपने पता है किया क्या है, आपने यम नियम आसन प्राणायाम को 10 दिन के लिए किया है। जो बेसिक स्टेप्स होते हैं मेडिटेशन के वो हमने किए हैं। असल में विपसना अपने आप में मेडिटेशन है नहीं, विपसना आपके शरीर को, आपके मन को मेडिटेशन के लिए तैयार करता है। ये मुझे पहले नहीं मालूम था, मुझे भी लगता था आपकी तरह के विपसना मेडिटेशन है। जैसे जैसे हम समाज बदलता है, जैसे जैसे मास्टर्स जाते हैं, से बुद्ध चले गए या कृष्णमूर्ति चले गए, तो उनके जाने के बाद वर्ड्स रह जाते हैं, शब्द रह जाते हैं दुनिया में, और उन शब्दों की अपनी गरिमा धीमे धीमे चेंज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। आज को मैं अगर आंख बंद करके आपके सामने बैठ जाऊं और ओम की चांट करता रहूं और आप मुझे देखते रहें और मैं कहूं कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, तो जितने भी नौ सीखे लोग हैं जिन्होंने भी पहली बार मेडिटेशन वर्ड सुना हो और मुझे देखा हो, तो वो इसी चीज़ को मेडिटेशन मान लेंगे कि आंख बंद करके बैठना और ओम की चैंटिंग करना। मैं भी उसी में से एक था, बहुत टाइम तक मैं मानता था कि आंख बंद करके बैठ करके अंदर में कुछ मंत्र चैंट करना या अपनी सांस को देखना या आंख बंद करके कुछ नहीं करना, बैठे रहना, इसी को मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन वर्ड इतना ज़्यादा फेमस हो गया है कि अब हर कोई मेडिटेशन ही करना चाहता है, जबकि मेडिटेशन ये चीज़ है ही नहीं। मेडिटेशन बहुत ही एडवांस्ड लेवल की चीज़ है, और जब मैं एडवांस्ड कहता हूँ तो मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि हम सब दीनहीन हैं और हम सब वो सब नहीं कर सकते, वो तैयारी करनी होगी हमको। जैसे एक न्यूरोसर्जन होता है या एक कार्डियो सर्जन होता है, उसको बहुत सालों की प्रैक्टिस चाहिए होती है, शरीर को बहुत बार काट चुका होता है वो, उसको पता है कि हार्ट में नस कहाँ होती है, ब्रेन की नसेस कहाँ होती है, और उसको उसका बॉडी और ब्रेन पूरी तरह से तैयार हो चुका रहता है उस चीज़ को करने के लिए, बहुत हैबिचुअल हो चुका रहता है। ठीक ऐसे ही मेडिटेशन एक बहुत ही एडवांस्ड स्टेट है। कृष्णमूर्ति जैसे लोगों ने इसको बार बार जिक्र किया है, कहते हैं वेयर द मेडिटेशन मेडिटेटर एंड्स मेडिटेशन हैपन्स, जब आप नहीं होंगे तब मेडिटेशन होता है, आपको पता ही नहीं चलता आप मेडिटेशन में हैं। जग्गी वासुदेव का एक बहुत अच्छा टेड टॉक भी है, आप उसमें देखेंगे, कहते हैं जब मैं पहाड़ों पर बैठा हुआ था और मैं आँख बंद करके बैठा था और करीब 2 या 3 घंटे के लिए मैं वहाँ बैठा होऊंगा, लेकिन पता ही नहीं चला, बोलते हैं 15 मिनट, मुझे लगा था 15 मिनट बीता, लेकिन 3 घंटे बीत चुके थे। टाइम का पता नहीं चलता आपको। जब मेडिटेशन होता है तो आपका अपने बारे में एहसास नहीं होता कि आप हैं, टाइम के बारे में एहसास नहीं होता, कुछ भी एहसास नहीं होता। मुझे भी लगता था कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं। विपसना, हाँ नाम तो फेमस हो गया है, और जब हजारों लोग, करोड़ों लोग जब कहते हैं विपसना मेडिटेशन, तो हमको भी लगता है कि विपसना मेडिटेशन ही है। विपसना बहुत ही अच्छी, बहुत ही उम्दा टेक्निक है जिसके जरिए हम मेडिटेशन की तैयारी कर सकते हैं।
दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, हम लोग जेन योगा के कोर्सेज के फीस ले रहे हैं, नॉमिनल सी फीस है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और उन्होंने कंपेयर किया है कि आप वो प्रश्न में तो फीस लेते नहीं हैं, आप लोग फीस ले रहे हैं। सर मैं उसके लिए मैं भी नहीं चाहता कि किसी भी कोर्स के लिए मैं फीस लूँ, बट विपस्सना फ्री नहीं होती, आपके लिए कोई ना कोई डोनेट करता है, खुद आदमी डोनेट पैसा नहीं देता अपने लिए, आप जाना चाहें, रहना चाहें, खाना चाहें वहाँ पर, तो आप खुद नहीं देना चाहें पैसा तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डोनेट करना चाहें तो आप किसी और के लिए डोनेट कर सकते हैं, जितना भी अमाउंट करना चाहें कर सकते हैं। तो somebody has already paid donation for you, and Vipassana group is a very very big group, तो हम चाहेंगे कि हम भी इस तरह का बिजनेस मॉडल खड़ा कर सकें और हम अपने सारे सब्सक्राइबर्स को, अपने सारे वॉलंटियर्स को, सब फ्रेंड्स को जो भी जेन योगा अटेंड करना चाहते हैं उनको हम फ्री कर सकें। लेकिन जब तक हमारी ग्रुप बड़ी नहीं हो जाती, जब तक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर्स बन नहीं जाता, जब तक हमारी यूनिवर्सिटी नहीं खड़ी हो जाती, बिल्डिंग खड़ी नहीं जाती, हमें आपका सपोर्ट चाहिए। तो उस सपोर्ट के लिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस कोर्सेस में फीस दे करके ही अटेंड करें। अब